हरे कृष्णा। आज अरे वो कैलेंडर नहीं रखा ये हम 14 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज 14 तारीख को, आज 14 तारीख का दिन बहुत शुभ दिन है। आज के दिन अति दयालु परम कृपालु पतित पावन बलराम जी के अवतार भगवान नित्यानंद प्रभु इस धरातल पर अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो नित्यानंद भगवान की। देखो हम लोग संसारी लोग हैं, मोह माया में फंसे हुए लोग हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोग सोचते हैं जीवन का उद्देश्य है खाना पीना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और फिर शरीर छोड़ देना। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है वह भगवत प्राप्ति है, भगवान को पाना है, क्योंकि हम सब का संबंध भगवान से है। इस संसार से हमारा संबंध नहीं है। अगर इस संसार से हमारा संबंध हो तो हम यहीं रहें। फिर इस संसार से किसी का संबंध नहीं है। हम सब कर्मों के मारे यहां पर आए हैं और अभी हमारा एक ही काम है, कर्मों को काटना। कर्म कैसे कटेंगे? हमारा बड़ा दोष क्या है कि हम लोग विषया आसक्ति है, विषय विकारों में हमारी आसक्ति है। स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में आसक्ति, यहीं से सारे दोष शुरू होते हैं। भगवान ने गीता में कहा कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद भवा महाच्छनो महात्पापमा विधि एनम ही भैरी नाम। अर्जुन, ये काम जो है ये रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान ने विधि एनम ही भैरी नाम, ये पापी शत्रु है इस हम सब का। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, हमें यहां से ले जाने के लिए हमारा ये जो जन्म मरण का चक्र, इसका अंत करने के लिए युग पर्यंत युग भगवान आते हैं। सतयुग में भी आए हंस भगवान, त्रेता युग में आए राम भगवान, द्वापर युग में आए कृष्ण भगवान और कलयुग में आए गौर भगवान। गौर स्वयं कृष्ण है। जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी उनके साथ आते हैं उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए। अब देखो अगर राजा कहीं जाता है, राजा अकेला नहीं जाता, कई मंत्री उसके साथ, कई रानिये अमला फैला, बहुत साथ राजा के जाता है। इसलिए जो राजाओं के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण, वह भी जब पृथ्वी पर आते हैं वो तो अपना धाम ही साथ ले आते हैं, वृंदावन धाम
गौलोक धाम का ही टुकड़ा है। तो जहां भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर भगवान आए, उनके बड़े भाई बलराम नित्यानंद जी के रूप में आए। जब राम रूप में भगवान आए थे तो बलराम जी जो हैं वो उनके छोटे भाई के रूप में आए थे, लेकिन बलराम जी को ये अच्छा नहीं लगा कि राम रूप में भगवान ने इतने कष्ट उठाए, वन में गए, 14 साल का वनवास भोगा नंगे पों, और दुख नहीं देख सके उनका। उन्होंने कहा अगले अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। वो फिर बलराम बने, कृष्ण और दाऊ भैया। कलयुग में कृष्ण आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और दाऊ भैया जो हैं वो आए नित्यानंद के रूप में। और आज वो शुभ दिन है जब नित्यानंद भगवान प्रकट हुए थे। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, एकादशी कल द्वादशी थी, आज त्रयोदशी है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति करना है, ये सभी याद रखो, नित्यानंद की कृपा के बिना नहीं हो सकती। नित्यानंद की कृपा बड़ी आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो भगवत प्राप्ति में नित्यानंद हमारी क्या सहयोग करते हैं? एक तो उनको आदि गुरु कहा गया है। एक पृथ्वी पर हम गुरु धारण करते हैं, सदगुरुदेव, जैसे हमारे प्रभुपाद सदगुरुदेव हैं, तो नित्यानंद जी जो हैं वो आदि गुरु हैं, वो कृष्ण के देने वाले हैं। तो आदि गुरु जो हैं वो हमारा क्या सहयोग करते हैं? हमारा सहयोग करते हैं मेरा मन जो विषय विकारों में लगा हुआ है वो उनमें से हटाने के लिए मेरी वो मदद करेंगे। इसलिए नित्यानंद भगवान की कृपा की याचना सभी को करनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म अगर भक्ति विहीन है तो फिर व्यर्थ है। ये पशुओं की तरह है, पशु जन्म लेता है, खाता पीता है, संतान उत्पत्ति कट और मर जाता है। तो मनुष्य शरीर में हमें भगवत प्राप्ति करनी ही चाहिए, ये शरीर केवल इसी काम के लिए मिला है। और भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारा सहयोग नित्यानंद भगवान करते हैं, और ये बहुत ही दयालु हैं। चैतन्य चरितामृत में एक घटना है, घटना इस प्रकार है कि एक नवदीप धाम जहां पर गौर भगवान प्रकट हुए, वहां पर एक ब्राह्मण था, वो गौर भगवान का बड़ा भक्त था। गौर भगवान का बड़ा भक्त था और गौर भगवान ने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद वो नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहे, वहां भगवान ने भक्तों को शिक्षा देने के लिए, भगवान अपना भक्त स्वयं बने हुए हैं, वहां रहे। तो उन्होंने वहां से नित्यानंद जी को कहा, बड़े भाई को, श्रीपाद आप जाओ लोगों से हरि नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। जब ये कहा, नित्यानंद जी दो देह हैं, नित्यानंद और चैतन्य, लेकिन एक प्राण है, ये बड़ा स्नेह है इनका आपस में, कहते मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता।
तो गौर हरि कहते हैं फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा। तो गौर भगवान ने जब ये कहा पतितों का उद्धार कैसे होगा तो नित्यानंद जी कहते हैं बड़े भाई हैं, पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अभी क्या आगे क्या, फिर भगवान जबरदस्ती करते गौर भगवान, भगवान ने सर नीचा किया गौर हरि ने और टप टप आंसू टपकने लगे उनकी आंखों से। देखो गौर भगवान हम सब पति जीवों पर कितने दयालु हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके प्राण रो रहे हैं, जो किसी को प्यार करता हो प्रेम करता हो उसको रोते नहीं देख सकता। अच्छा बोलिए क्या करना है मुझे, आप जाओ और लोगों से नाम जपाओ, नाम की भिक्षा मांगो। तो गौर भगवान के कहने पर उनके बड़े भाई नित्यानंद गोद्रुम द्वीप, नौ द्वीप हैं, गोद्रुम द्वीप में आए। मधुप्रिया इन नौ द्वीपों का भी नाम लिखना है, लिखा गई हाँ मुझे दे दो। नौ द्वीप हैं उसमें गोद्रुम द्वीप में आए और इन्होंने क्या किया, वो भजन बंद किया गया है एक हमारे महाभागवताचार्य के द्वारा। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजन, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजन, पटिया छे नाम हट जीवेरे कारण, पटिया छे नाम हट जीवेरे कारण, नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजन, नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजन, श्रद्धावान जन है सदावान जान, सदावान जन है सदावान जान, प्रभु राज्ञा भाई मांगे भिक्षा, प्रभु राज्ञा भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजन, नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजन। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजन, नदिया गद्रु में कृष्णेरा संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार कर
वेदया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। वेदया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदिया गट्रु में नित्या नंद महाजा, नदिया गट्रु में नित्या प्रिय बंधुओं व माताओं, गौर भगवान जो कृष्ण हैं, नित्यानंद जी बलराम हैं। जब कृष्ण भगवान ने अपने बड़े भाई को कहा तो वो आगे गोद्रुम द्वीप में भगवान हैं, वो बलराम जी के अवतार हैं। उन्होंने वहाँ क्या किया कर पति याचे नाम हट जीवे रे कारण। जीवों के लिए हम सब जीव हैं, जीवात्मा हैं। हमारे लिए उन्होंने क्या किया, नाम की दुकानें खोल दी। पति याचे नाम हट, हट कहते हैं दुकान को, बंगला भाषा है, बड़ी दिव्य भाषा है। जीवे रे कारण दुकानें खोल दी, दुकानों में नाम बिकने लगा। हाँ, कीमत कीमत सदावान जन है, सदावान जन। वो सदा वाले लोगों, वो सदा वाले लोगों, प्रभु आज्ञा भाई मांगे ही भिक्षा। मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से भीख मांगता हूँ आपसे। क्या क्या बलराम जी नित्यानंद भगवान क्या भीख मांग रहे हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण के नाम को बोलो, कृष्ण के नाम को भजो और दूसरों को कृष्ण के नाम की शिक्षा दो। देखो, कोई भगवान नहीं सिवाय कृष्ण के, ना किसी ने कहा। देखो, जीसस हुए ईसाइयों के, उन्होंने नहीं ये कहा कि मैं गॉड हूं, बोला आई एम सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा हूं मैं। मोहम्मद साहब ने भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, कि मैं उनका मैसेंजर हूं, उनका संदेश लेके आया हूं। देखो, गुरु नानक देव हुए, गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। गुरु नानक देव ने कहा, हरि हरि नाम जपंतियां कछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। तो केवल कृष्ण ही कहा मैं भगवान हूं, और कोई भगवान है भी नहीं, और ना किसने कहा। तो देखो, हम हिंदू लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान का पता, लेकिन हम भगवान को छोड़ बैठे हैं, मोह माया फंस गए हैं। आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। हम तो हरि भजन के लिए यहां आए थे, और कोई काम करने हम यहां नहीं आए थे। बाकी काम खाने पीने सोने का हमने हरि योनि में किया। तो नित्यानंद भगवान कह रहे हैं, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और कृष्ण की शिक्षा दूसरों को दो। अगर कोई कृष्ण के बारे में जान जाता है, स्वयं भक्ति करे और दूसरों को बताए, क्योंकि कृष्ण की कृपा के बिना हमारा कल्याण नहीं है, याद रखो। देखो, देवों में देव महादेव हैं, केवल आपको ये बताया है। महादेव क्या कह रहे हैं, पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इहा संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाखी मुरारे। शंकर भगवान क्या कहते हैं? हम सबको शंकर भगवान मूर्ख कहते हैं, मूढ़ मते मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसारे बहुत दुस्तारे। तो मूर्ख प्राणी महादेव वाक्य है, तुम क्या करो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो गोविंद को ही भजो, तीन बार का है। और कौन सी बड़ी थाटी है? ये 33 करोड़ देवता में सबसे शिरोमणि है शंकर भगवान महादेव, इनको कहा गया है। तो फिर नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं गोद्रुम दीप में, अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के भगवान का नाम लो। 10 नाम अपराध मैंने अभी बोले, अपराध नहीं करना। जब हम अपराध करते रहेंगे ना तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, हम भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मृत्यु पथ पर तो आगे बढ़ेंगे बिना कुछ किए। जैसे कल का दिन हमारे जीवन से मर गया, मैं एक दिन और मृत्यु के निकट आ गया। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र चली जाती है। मृत्यु पथ में तो बिना कुछ किए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधों से मुक्त हो और कृष्ण का नाम जपो। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण ही हमारे पिता और कृष्ण ही हमारे धन और प्राण है। इसलिए कहा है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्वरिनम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, सब कुछ मेरे आप हैं और मेरा कोई नहीं। और जैसे भजन आपने कई बार सुना है, तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो साथी तुमी सहारे, तुमी हो साथी कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो
खवैया तुम्हें हो नैया तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो तुम्हें हो तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो जो खिल सके ना वो फूल हम है जो खिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो माता जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी जो तुम हो दाता तो हम भिखारी जो तुम हो दाता तो हम भिखारी जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी जो तुम हो ठाकुर जो तुम हो दाता तो हम भिखारी जो तुम हो दाता तो हम भिखारी चरणों में अपने सदा ही रखना चरणों में अपने तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो बंधु तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो स्वामी तुम्ही हो ईश्वर तुम्ही हो स्वामी तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो स्वामी तुम्ही हो ईश्वर दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें याद रखो भगवान ही हमारे सब कुछ है और कोई हमारा नहीं मेरा
कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। इस बात को याद रखो, हमारा कोई नहीं है संसार में। संसार के जितने लोग हैं ना, सब मरघट तक जाते हैं, आगे कोई साथ नहीं देता। तो नवदा प्रकार की भक्ति है भगवत को, भगवान को पाने के लिए। तो नवदीप मंडल जो है उसमें नौ द्वीप हैं। पहला द्वीप है अंतरद्वीप, आत्म निवेदन व समर्पण करना भगवान के चरणों में। दूसरा द्वीप सुमंत द्वीप, श्रवणम, सुमंत द्वीप सुनने का, हमने भगवान के बारे में सुनना। तीसरा गोद्रम द्वीप, जिसमें नित्यानंद भगवान गए थे, वो कीर्तन का द्वीप है, वहां कीर्तन होता है। मध्य द्वीप स्मरण का है, भगवान का स्मरण। कोल द्वीप पाद सेवन, चरणों की सेवा का द्वीप है कोल द्वीप। ऋतु द्वीप अर्चनम, पूजा भगवान की। जानु द्वीप वंदनम के लिए है, भगवान की वंदना करने के लिए। मुद्रम द्वीप दास्यम, भगवान के दास बनने का। रुद्रदीप साख्यम। तो ये बंधुओं, नित्यानंद भगवान जो आज प्रकट हुए थे वो गोद्रम द्वीप में गए थे और वहां जाकर के उन्होंने प्रचार किया था। तो कलयुग में भगवान को पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, उनकी निष्काम भक्ति। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा। संजय कहाँ? नहीं है? और दूसरा कौन है हिंदी पढ़ने वाला? अच्छा, कोई है और हिंदी पढ़ने वाला? थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोलना, ये पढ़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। श्रीमन नित्यानंद प्रभुपाद, प्रेम दाता अक्रोध, परमानंद, परम दयाल मूर्ति श्री निताई चांद के तत्वांश की विस्तृत आलोचना में प्रवृत्त होने से पहले सूत्र रूप में इनके तत्वांश के संबंध में निम्नलिखित भक्ति शास्त्र सिद्धांत सार एवं पंचम वेद स्वरूप पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत के भाष्य स्वरूप श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का कथन है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहारदित्य देह श्री बलराम एकई स्वरूप द्वि मित्र मात्र काय आद्य काय व्यू कृष्ण लीलार सहाय सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री चैतन्य चरितामृत 2535। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सर्व अवतारी हैं। जितने भी भगवत अवतार अथवा भगवान के स्वरूप हैं उन सब के मूल हैं श्री कृष्ण।
वे स्वयं भगवान हैं, स्वयं रूप हैं, अर्थात स्वयं सिद्ध रूप हैं। वे किसी अन्य रूप की अपेक्षा नहीं रखते। उन्हीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दूसरा देह है श्री बलराम। श्री कृष्ण तथा श्री बलराम मूलतः एक ही तत्व हैं, केवल दो देहों में प्रकाशित हो रहा है। तत्वतः श्री बलराम श्री कृष्ण का ही विलास है। स्वरूप में अभिन्न होते हुए भी किसी विशेष लीला के उद्देश्य से श्री कृष्ण जब अपने भिन्न आकृति में अर्थात पृथक रंग में पृथक वेशादि में प्रकटित करते हैं, उस स्वरूप को विलास कहा जाता है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण है, श्री बलराम श्वेत वर्ण है। श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, श्री बलराम नीलाम्बरधारी हैं। इस तरह वर्ण और वेशादि में भेद होने के कारण श्री बलराम को श्री कृष्ण का विलास कहा गया है। श्री बलराम को श्री कृष्ण का आद्य कायव्यूह भी कहा गया है। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जब एक देह के अतिरिक्त और एक अथवा अनेक देह प्रकटित होते हैं, तब उनको प्रथम देह का कायव्यूह कहा जाता है। स्वयं रूप अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण लीलाओं के अनुरोध से अनेक रूपों में अपने को प्रकटित करते हैं। उन समस्त रूपों में श्री बलराम ही सर्वप्रथम रूप हैं, इसलिए उन्हें आद्य कायव्यूह कहा गया है। और यह रूप है भी सर्वश्रेष्ठ। यह रूप श्री कृष्ण की लीलाओं की सहायता करता है। इसे मूल संकर्षण भी कहा जाता है। मूल संकर्षण श्री बलराम स्वयं रूप से श्री कृष्ण की सेवा संपादन करते हैं तथा और भी पांच रूपों से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। श्री बलराम संकर्षण कारण समुद्रशाही गर्भोदकशाही क्षीर समुद्रशाही तथा शेष, इन छह रूपों से श्री बलराम श्री कृष्ण की अनंत सेवा संपादन करते हैं। स्वयं भगवान सर्वावतारी कृष्ण जब नवदीप में श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के रूप में आविर्भूत होते हैं, उनके विलास रूप अथवा आद्य कायव्यूह के रूप में श्री बलराम उनके साथ उनकी लीलाओं की सहायता के लिए श्री नित्यानंद रूप में आविर्भूत होते हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु तथा श्री निताई चांद अभिन्न तत्व हैं। श्री चैतन्य देव से दो विग्रहों में श्री चैतन्य देव ही आत्म प्रकट कर अनेक लीलाएं करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो बलराम है वही श्री नित्यानंद है, वही मूल संकर्षण है। श्री श्री चैतन्य भागवत के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री निताई चांद के तत्व को कितने सरस किंतु गूढ़ाशय में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, मैं अपने इष्ट देव दीक्षा गुरु श्रीमन नित्यानंद राय के चरणों में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही श्री कृष्ण चैतन्य देव के नाम गुण गान की स्फूर्ति होती है। श्री अनंत देव शेष जिनका अंश हैं, उन श्री बलराम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। उनकी वंदना एवं कृपा प्राप्ति से ही श्री कृष्ण नाम गुण कीर्तन की स्फूर्ति संभव है, क्योंकि उनके हजारों मुखी श्री कृष्ण नाम गुण कीर्ति के भंडार हैं। वे नित्य नवीन नाम गुणों का गान करते रहते हैं। उसी प्रकार वही श्री संकर्षण श्री निताई चांद अनंत देव के रूप में श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव के नाम गुण लीलाओं का नित्य नवीन गान करते रहते हैं। अतः उनकी कृपा से ही श्री कृष्ण चैतन्य नाम गुण गान की स्फूर्ति संभव है, अन्यथा नहीं। जैसे बहुमूल्य रत्न को परम गुप्त आत्मीय स्थान पर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री महाप्रभु ने अपने नाम गुण कीर्तन रूप महारत्न को परम आत्मीय अपने प्रिय श्री अनंत देव के मुख से सुरक्षित रखा है, जो श्री निताई चांद के अंश हैं। अतः श्री निताई चांद की कृपा के बिना श्री कृष्ण नाम गुण गान रूप महारत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती।
श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने यह भी वर्णन किया है कि जो श्री निताई चांद संकर्षण का गुणानुवाद गान करते हैं, जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उन पर श्री महादेव पार्वती भी अति प्रसन्न होकर उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, क्योंकि श्री बलराम संकर्षण इष्ट देव हैं श्री महेश पार्वती के। श्रीमद् भागवत 5:17:1 दृष्टव्य है। शांडिल्य गोत्रीय श्री नारायण भट्ट चतुर्वेदी के वंशज श्री चंद्रकेतु के पौत्र सुनामधन्य थे। श्री मुकुंद जो श्री हड़ाई पंडित के नाम से विख्यात हुए, उनकी परम साध्वी श्रीमती पद्मावती जो गोडेश्वर राजा श्री मुकुट राय की पुत्री थीं, के गर्भ से माघ शुक्ल त्रयोदशी संवतः 1530 में श्री नित्यानंद आविर्भूत हुए वीरभूम जिलांतर्गत एक चक्रा गांव में। नव शिशु का नाम रखा गया चिदानंद। चंद्र का छोटा सा मुख किंतु महान ज्योतिर्मय उस असाधारण नवजात शिशु को देखकर सब आनंद मुग्ध हो उठे। समय पाकर सखाओं के साथ खेल कूद में श्री रामकृष्ण की लीलाओं को भी अनुकरण करते थे। एक दिन लक्ष्मणावेश में कुंभकर्ण रूप में धारी बालक की भावमय बरछी खाकर मूर्छित हो गए। सखा, माता पिता, गांववासी अति चिंतित हो उठे। बहुत समय बाद स्मरण आने पर हनुमान रूपधारी बालक संजीवनी बूटी लाया, तब कहीं आपको चेतना आई। ऐसे अनेक अद्भुत लीलाएं करने लगे बाल्यकाल में ही। 12 वर्ष के आसपास थे, श्री हड़ाई पंडित एक दिन सवेरे एक तेजस्वी सन्यासी को अपने घर आग्रह पूर्वक भिक्षा कराने ले आए। सन्यासी भोजन कर चुके, जाने से पहले दक्षिणा के संबंध में बोले, महाशय यदि तुम देने का वचन भरो फिर मैं अपनी दक्षिणा मांगूंगा। पंडित जी ने रमता राम सन्यासी जानकर हामी भर ली, जो चाहोगे दूंगा। पंडित जी ने समझा एक आध कपड़ा लोटा कमंडल मांगेगा और क्या, सन्यासी तो चिदानंद प्राप्ति के लिए मारा मारा घूम रहा था। सचमुच चिदानंद मूर्ति देख बालक चिदानंद को ही मांग बैठा। उसकी मांग सुनते ही पंडित हड़ाई जी को एक विकट धर्म संकट में पड़ कर व्याकुल हो उठे। चिदानंद तो लक्ष्मण रूप में एक मुनि विश्वामित्र के साथ घर बार छोड़कर चले जाने का अभ्यस्त था। माता पिता को धर्मोपदेश एवं आश्वासन देकर चिदानंद अंगुली पकड़कर चल दिए उस सन्यासी के साथ। घर बैठे थोड़े ही लीला का समाधान होगा, इसी मनोभाव के से तो यह सब लीलानुक्रम रचा श्री बलराम जी ने। सन्यासी तीर्थ में भ्रमण कर रहा था और श्री चिदानंद अपने स्वरूपानंद में। जाने वह सन्यासी कहाँ रह गया। आप अकेले भारतवर्ष के अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए पंडरपुर जा निकले। वहाँ श्रीपाद लक्ष्मीपतिपुरी को पहले अपने निज स्वरूप बलराम का स्वप्न में दर्शन कराया, फिर लौकिक लीलानुरोध से उनसे मंत्र दीक्षा एवं भेष दीक्षा का अभिनय किया। उन्होंने इन्हें चिदानंद से नित्यानंद नाम देकर नवदीप लीला विहारोपयुक्त ख्याति प्रदान कर दी। वहां से आप मथुरा मंडल पधारे। श्री वृंदावन में प्रविष्ट होते ही कृष्णा प्रेमावेश में उन्मत्त प्राय हो उठे। अपनी लीला स्थलियों को देख देख कर हा कृष्ण, हा भैया, हा कन्हैया, कहाँ हो तुम, कहते हुए पृथ्वी पर पछाड़े खाने लगे। व्रज रज में धूल धूसरित होकर गोप वेश में अनेक दिन तक घूमते रहे। एक दिन ऐसा लगा कि गोपाल कृष्ण मुझे नवदीप में बुला रहे हैं, वह वहाँ अवतीर्ण हो चुके हैं। प्रेमाविष्ट होकर आप नवदीप पहुँचे। हूँ तो आखिर बड़ा भाई ना, मैं यहाँ तक आ पहुँचा, वह मेरा छोटा भाई मुझे आदरपूर्वक अपने घर ले जाए तो। यह सोचकर श्री नित्यानंद परम भागवत श्री नंद आचार्य के घर पर जा ठहरे। छोटा भाई भी कम नहीं, सर्वांतर्यामी है, फिर सब धर्म मर्यादाओं का नियामक है। बड़े भैया चिरकाल से बिछड़े भैया से के पहले ही श्री गौराचांद श्री विशंभर व्याकुल हो रहा था, अपनी जीवोद्धार लीला का प्रारंभ ही न कर पा रहा था।
श्री गौरांग जान गए थे कि श्री नंदाचार्य के घर मेरा प्राण सखा आ चुका है। अपनी संगी साथियों को लेकर अगवानी करने चल पड़े श्री गौरांग। साथी क्या जाने उस आंतरिक लीला रहस्य को। श्री नंदाचार्य के भवन के दरवाजे पर आकर श्री गौरांग ने श्रीवास से कहा, श्रीवास कहाँ छिपा है मेरा ध्यानी मानी भैया? एक महापुरुष बोलो, वहार पेड़ नटवर वपु करणयो करणिकार। श्रीवास ने जो ही उच्च मधुर स्वर में उस श्लोक का उच्चारण किया, श्री नित्यानंद भूल गए बड़प्पन ध्यान मान। पुलकाश्रु पूर्ण कंपित कलेवर हो श्री गौरांग के गले से आकर लिपट गए। दोनों एक दूसरे को प्रेमाश्रुओं की अजस्त्र धारा में अभिषिक्त कर रहे थे। यह मिलन अवर्णीय है। समस्त संगी साथियों को श्री गौरांग ने प्रेमानंद प्रदाता श्री नित्यानंद प्रभु का परिचय कराया। यथा योग्य सब मिले श्री महाप्रभु अपने साथ लाए इन एवं श्रीवास के घर ठहरा दिया। तुरीयातीत अवस्था प्राप्त अवधूतों के समान श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेमावेश में सर्वत्र स्वच्छंदता पूर्वक अनेक लीलाएं करने लगे। न तन की सुध, न वस्त्र की संभाल और न खाने पीने की चिंता, प्रेमानंद मग्न होकर विचरण करने लगे। एक दिन श्रीवास गृहिणी मालिनी देवी की ठाकुर सेवा की घी भरी कटोरी उनके आंगन से एक कौवा लेकर उड़ गया। वृक्षों की शाखा दर शाखा उड़ता हुआ वह तो अगोचर हो गया। मालिनी देवी चिल्ला रही थी कटोरी कटोरी कहकर। श्री निताई माता मालिनी की व्याकुलता देखकर बोले, माँ रोने की क्या बात है, अभी लाता हूँ वही कटोरी। आपने जिस ओर कौवा गया था उस ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, भैया देजा कटोरी हमारी। बस उसी क्षण वह कौवा कटोरी मुंह में दाबे चला आया और आंगन में उसे गिरा दिया। माता मालिनी कटोरी पाकर अति प्रसन्न हो उठी, लगी करने स्तुति। मन में सोचने लगी, यह तो गुरु के मृतक पुत्र को यमलोक से ले आने वाले बालों में से एक निकला। अपनी बात सूची एक दिन करुणा परावर श्री गौरांग को अचानक समस्त भक्तों में बैठे बैठे बोल, प्राण निताई चंद प्यारे हरिदास, आप दोनों घर घर में जाकर मेरी यह आज्ञा सुनाओ। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लय कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। श्री कृष्ण नाम का उच्च संकीर्तन करो, सब श्री कृष्ण का भजन करो और हर समय श्री कृष्ण नाम जप करो। श्री कृष्ण ही समस्त जीव जगत के माता पिता धन संपत्ति हैं। इतना ही नहीं, आप दरवाजे दरवाजे पर जाकर यही भिक्षा करो और श्री कृष्ण भजन की शिक्षा दो सब लोगों को। अचंभित हो उठे श्री निताई चंद और श्री हरिदास हाथ जोड़कर चुप खड़े रहे। श्री विशंभर ने कहा, और कुछ भी आपको बोलना बुलवाना नहीं है, किसी से कुछ वाद विवाद नहीं करना है, भिक्षा करनी है, भिक्षा भी अति विनय और कातार भाव से। दिन ढलने पर मुझे सब वृतांत कहना, जो आपको यह भिक्षा नहीं देता उससे मैं स्वयं भुगत लूँगा। यह श्री गणेश था नवदीप वासियों के प्रति प्रत्यक्ष भाव से कृपा प्राप्त करने का। पहला दिन था जब करुणा में अपनी करुणा विस्तार के लिए ऐसी आज्ञा और वचन कह रहे थे। वस्तुतः करुणा और ऐश्वर्य शक्ति ही बोल रही थी, प्रभु नहीं। सुनकर अब वैष्णव मंडली हंस पड़ी, परंतु श्री विशंभर की आज्ञा टालने का साहस किसको। आज्ञा शिरोधार्य कर श्री निताई चांद और श्री हरिदास दोनों चल पड़े। रास्ते में आकर दोनों आज फूले नहीं समा रहे थे, खिलखिला उठे। एक एक घर के द्वार पर आकर कहते थे, अरे भाई बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, प्राण धन जीवन श्री कृष्ण कहो ना। दोनों ही सन्यासी विरक्त वेश में हैं। जिस घर पर आवाज देते हैं कुछ ना कुछ अन्न आटा चावल लेकर कोई व्यक्ति घर के दरवाजे पर आता है। अलौकिक भिखारी हैं ये दोनों, न भाई हैं न चावल न आटा नहीं चाहिए। एक बार कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, चमत्कृत हो उठते हैं नर नारी। ये कैसे सन्यासी हैं, सुजन हर्षित हो उठते हैं। एक बार नहीं बार बार बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आगे चल देते हैं दोनों कृष्ण नाम के भिखारी। जगत एक तमाशा है, ये दोनों और एक तमाशा सा बन गए। अद्भुत भिक्षा मांगे।
अद्भुत स्वरूप स्वाभाविक था। अनेक लोगों में अनेक बातों का उठाना, जितने मुंह उतनी बातें, यह तो जगत की नीति है। कोई कोई तो संतुष्ट होकर कह देते, बाबा हाँ हाँ हम नित्य कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण भजन करेंगे। कोई कोई बोल उठता, ये दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं, हमें भी अपने साथ पागल कर रहे हैं आए हैं, चलो जाओ यहाँ से। श्री निताई चांद हरिदास हंस देते और आगे चल देते। हंसते थे इसलिए कि स्वयं मायाग्रस्त पागल हैं और बताते हैं कि हम पागल हैं। हाय हाय, जिन लोगों को श्रीवास आंगन के में प्रभु के नृत्य संकीर्तन में नहीं आने दिया जाता था, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, उन दुष्कृति लोगों के दरवाजे पर जाते ही वो आग बबूला हो उठते, मारो मारो इन दोनों को। उस नितमाई पंडित ने अच्छे अच्छे लोगों को माथा बिगाड़ डाला, ऐसा कहकर अस्थिर हो उठते। कोई कोई दुष्ट तो इन्हें चोरों का दूत ही कहकर इनकी आलोचना करने लगता। साधु घर में बैठकर भजन करते हैं, यह तुम्हारी तरह घर घर जाकर दूसरे का भजन का उपदेश देते हैं। तुम तो अपनी महिमा प्रकाश करते डोल रहे हो, फिर यहाँ आए हो थाने में बंद कर दिए जाओगे, कोई ऐसा भी कहता। सुन सुनकर बातें श्री निताई चांद श्री हरिदास हंसते थे, क्या प्रभु ने आज हमें दुर्जन सज्जनों की जांच करने भेजा है, इन्हें भगवान श्री विश्वंभर की आज्ञा की अवहेलना करने में डर नहीं लगता। श्री निताई चांद और श्री हरिदास ठाकुर अपने प्रभु श्री गौरांग की आज्ञा का बल पाकर सब जगह निर्भय होकर विचरण करते थे। दिन में घर घर जाकर प्रभु की आज्ञा का प्रकाश करते और सायंकाल में लौटकर श्री गौरांग को सब वृतांत कह सुनाते। कितने पेज है और बस? अभी तो है महाराज इसमें, बहुत लंबा काफी है। तो नित्यानंद भगवान जो हैं, बड़े दया के सागर में, आपको एक बात सुना रहा था, आप बीच में रह गई हूँ बात। बात इस प्रकार है कि नित्यानंद भगवान जब नीलाचल जगन्नाथपुरी से गोद्रुम द्वीप में आए, तो भगवान अपने शरीर पर बड़ा सोना पहनते थे, सोने के जो हैं गहने भगवान ने पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार उनका बलराम जी के अवतार का। ये जो ब्राह्मण गौर भगवान का सेवक था, इसने जब नित्यानंद भगवान को देखा तो सुने कि ये गौर के भाई हैं, ये वो इतने त्याग वैराग और इतना, इन्होंने इतना कुछ श्रृंगार कर रखा है, इनके मन में थोड़ी सी, ब्राह्मण के मन में शंका सी हुई इनके बारे में। तो जट वो ब्राह्मण नवदीप धाम से नीलाचल जगन्नाथपुरी में गया। जगन्नाथपुरी में जाकर उसने गौर हरि से बात की, तो गौर हरि ने कहा, देखो ब्राह्मण, वह सर्वशक्तिमान भगवान है नित्यानंद, समर्थ को नहीं दोष गसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ को दोष नहीं लगता। जो समुद्र देव अपना सूर्यदेव जहाँ पर गंदगी है, किसने पेशाब किया है, वहाँ से भी वो उसको भी सुखाते हैं, सूर्यदेव को क्या इसका कोई असर होता है? कोई असर नहीं। अग्नि में आप कुछ भी डालो जला देगी, अग्नि शुद्ध की शुद्ध रहती है। और गंगा में कई बार ऐसा होता है, जब बाढ़ आती है तो कई नाले नदियां नाले गंगा में गिरते हैं जाकर, गंगा का जल शुद्ध रहता है। तो ब्राह्मण को गौर हरि ने समझाया कि वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तब वो ब्राह्मण घबराया कि मैंने उनके बारे में ऐसा सोच करके तो अपराध कर दिया उनके चरणों में, तो मेरा क्या होगा अभी। तो तब गौर हरि ने कहा, तुम जाओ, नित्यानंद भगवान ऐसे हैं, वो अपराध किसी का मानते ही नहीं, इतने दयालु हैं।
वो अपराध नहीं मानते। तो ये इनकी नित्यानंद भगवान की विशेषता है कि हम कलयुग के लोगों का ये अपराध नहीं मानते, इसलिए इनके चरणों को सभी पकड़ के रखो, भजन निकालो। निताय पद कमला, तो एक हमारे आचार्य नित्यानंद भगवान के बारे में कह रहे हैं कि आप नित्यानंद जी के चरणों को पकड़ के रखो। ये नित्यानंद भगवान के चरण कमल आपके दुखों को हर लेंगे, दुखों को दूर कर देंगे। तो वो ब्राह्मण फिर आया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तो नित्यानंद प्रभु, देखो हम सब अपराधी हैं, अपराध हमारे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन नित्यानंद बड़े दयालु हैं। तो एक हमारे आचार्य नित्यानंद जी के बारे में भजन में बता रहे हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाय जगत जुड़ा, जे छाय जगत जुड़ा, हे नीता बीना भाई राधा कृष्णा पाते नाई, हे नीता बीना भाई राधा कृष्णा पाते नाई, दृढ़ करी धरो निताय रे पा, दृढ़ करी धरो निताय रे पा, चैता मंद नाही यार वृथा जन्म गेलता, से पशु बड़ा दुराचार, चैता नागिया वृता जन्म गेलता, से ही पशु बड़ा दुराचा, निताई ना भलील मुखे मजील संसार सुखे, निताई ना बलील मुखे मजील संसार सुखे, विद्या कुले की करिवेता, विद्या कुले की करिवेता, अहंकारे मत हैया निताय पद पाचरिया, अहंकारे मत हैया निताय पद पाचरिया, असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करीमा, नित्यारे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे, नित्यारे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे, धर नित्यार चरण दुखानी, धर नित्यार नित्यारे चरण सत्य ताहारा सेवक नित्य, नित्यारे चरण सत्य ताहारा सेवक नित्य, नित्याय पद सदा कर आशा, नित्याय पद सदा करो आशा।
नरोत्तम बड़ दुखी नित्याय मोर करो सुखी नरोत्तम बड़ दुखी नित्याय मोर करो सुखी राख रंगा चरण रे पास राख रंगा चरण रे पाया नित्याय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छात जगत जुड़ा ये बोलो नित्यानंद भगवान की जय। भगवान नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान शीतल हैं, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे निताई चांद के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम नित्यानंद भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर कहा उन्होंने, अरे भाई उनके श्री चरणों का को दृढ़ता से पकड़ो। नित्यानंद भगवान के चरणों को बड़ी दृढ़ता से पकड़ो। जिसका उनसे संबंध नहीं हुआ, देखो जीवन काल में हमने नित्यानंद भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं किया, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। जिसका संबंध नित्यानंद भगवान के श्री चरणों से नहीं हुआ, उस पशु का उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो जीवन को हमने व्यर्थ नहीं गंवाना, नित्यानंद भगवान के चरणों का आश्रय लेना हमने। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। यदि कोई संसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर, प्रायः हम विषय भोगों में प्रमत्त हैं, पागल हैं, होकर निताय के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल प्राप्ति से क्या लाभ। विद्या बड़ी उच्च है, कुल बड़ा ऊंच है, उससे कोई लाभ नहीं है। फिर क्या कहा है, व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूल कर, अहंकार मत, मत कहते हैं पागल। व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को भूलकर संसारिक अनित्य विषयों को नित्य मान कर उनमें ही रमा रहता है। ये संसारिक जो विषय भोग हैं ये अनित्य हैं, लेकिन मूर्ख प्राणी इनको नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है, लगा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रिज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। नित्यानंद जी की कृपा से ही राधा कृष्ण की सेवा ब्रिज में मिलेगी हमको। अतः उनके श्री चरणों को पकड़ लो,
उनके चरणों को पकड़े रहो। श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं, अतः उनके श्री चरणों की सदा आशा करो। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करके सुखी करिए, कर दीजिए। मैं दुखी हूँ, अपने चरणों का आश्रय देकर मुझे सुखी कर दो। तो हमें आज के दिन नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेना है, उनके श्री चरणों की याचना करनी है, ताकि ये हमारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाए। तो आज 14 तारीख है, नित्यानंद त्रयोदशी, और आज सभी का दोपहर तक व्रत है, दोपहर तक नहीं खाना है, दोपहर तक व्रत रखना है। ये 14 तारीख 1969 को प्रहलादानंद को प्रभुपाद ने पत्र लिखा था। उस पत्र में क्या लिख रहे हैं, श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं और इस कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। प्रहलाद नंद को ये लिख रहे हैं प्रभुपाद पत्र में कि श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं। कैदी जो होता है जेल में, हम उसके समान हो गए हैं, क्योंकि हमने कृष्ण को भुला दिया है। और इस कीर्तन द्वारा, ये जो कीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा देखो, भगवान से विमुख होकर, भगवान को भूलकर हम लोग कैदी के समान बन गए हैं। पर ये जो कीर्तन है, अगर इसका हम दोबारा कीर्तन करते हैं, कीर्तन का लाभ लेते हैं, तो श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर देंगे। कलयुग में बस यही रास्ता है, भगवान हमको पुनः उनके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान कर देंगे, तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। कीर्तन का पूरा लाभ लो
और प्रसन्न रहो। तो कीर्तन भगवान से मिलाएगा हमको इन्हीं शब्दों के साथ। प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करते हुए, नित्यानंद कृपा की याचना करते हुए आज के प्रवचन को यही विराम दिया जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पतित पावन सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज एवं उपस्थित समस्त भक्तों और माताओं को नित्यानंद भगवान के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव, यूं तो यह शरीर माता पिता की देन है किंतु जीवन की सार्थकता तभी है जब कोई सद्गुरु मिल जाए। हे गुरुदेव, आपने इस पतित को अपना दास स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव, यह आपकी कृपा ही है जो मैं आज थोड़ी भक्ति कर पा रहा हूँ। आज मेरे इस शरीर का जन्म दिवस है और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने भिक्षा मांगने के लिए हाथ जोड़े खड़ा हूँ। गुरुदेव, इस अधम पर कृपा कीजिए कि भक्ति में और प्रगति कर सकूं और अपने साथ साथ अन्यों का भी भला कर सकूं। आपका अधम दास प्राण गोपाल दास। प्राण गोपाल, विचार तुम्हारे अच्छे हैं। दो जन्म बताए हैं, एक माता पिता द्वारा और एक गुरु के द्वारा। जन्म तो सबका होता है, लेकिन जो दीक्षा लेता है, जो वैष्णवी दीक्षा लेकर आगे बढ़ता है, वो जन्म बड़ा दुर्लभ है जो तुम्हें प्रभुपाद कृपा से प्राण गोपाल प्राप्त हुआ है। इसलिए अपने जन्म को सफल करो प्रभुपाद की कृपा से और भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ो। हरे कृष्ण। लीलावती माता मॉरिशस से। जय गुरुदेव, होप दैट यू आर वेरी गुड एंड यू विल मर्सीफुली कम टू मॉरिशस इन 2022। आई एम वेटिंग फॉर यू ईगरली, योर मोस्ट डिग्रेडेड डिसाइपल। आई एम सर्विंग इन कंस्ट्रक्शन सेवा एज मच एज पॉसिबल टू प्यूरिफाई माई सेल्फ। As days are moving, the desires in heart are eliminating. Just the desire of building Bhagwan-related projects, temple hall and others are important. Most hours of the day go in seva, and I am very grateful to Bhagwan as well as all gurus to giving me the opportunity to serve. Even I am a fallen soul. Keep blessing me, Gurudev, and will wait for you eagerly in Mauritius. Thanks to Facebook, I am connected to you. Once again, forgive me for all offenses that I may have committed, as they are all done in ignorance. However, I am your daughter disciple, and I want to always be in Bhagwan Seva. You are the one who always promote us in bhakti life. If possible, Gurudev, please sing Bharosa Karle Bhagwan Ka, तुझे धोखा नहीं होगा। दिस भजन इज माई इंस्पिरेशन गुरुदेव। मतलब भजन सुनना चाहती है और तो नहीं, कुछ समझ नहीं आई मुझे बातें। अंग्रेजी क्या कह रही है? अच्छा, भरोसा
कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा भरोसा। कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवान का तुझे धोखा नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है ये जीवन धूप की छाया, कभी सुख है कभी दुख है ये जीवन धूप की छाया। न कर अभिमान तू बंदे ये पल दो पल की माया है, न कर अभिमान तू बंदे ये पल दो पल की माया है। भरोसा कर ले भगवान का तुझे धोखा नहीं होगा, जो सुख आए तो हंस देना, जो सुख आए तो हंस दे, जो दुख आए तो सह लेना, जो दुख आए तो सह लेना, जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना, जो आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। सुनाना और किसी को ना गुरु जी को सुना देना, सुनाना और किसी को ना गुरु जी को सुना देना। भरोसा कर ले भगवान का ये जीवन बीत जाएगा, भरोसा कर ले भगवान का ये जीवन, ना कर अभिमान तू धन का ना तेरे साथ जाएगा, ना कर अभिमान तू धन का ना तेरे साथ जाएगा, ना जाएगा ये रथ हाथी नाम एक साथ जाएगा, ना भरोसा कर ले भगवान का तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा तो ये हमारा जीवन कैसे बीत जाता है। भजन के आखिरी शब्द, लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा
देख कर रोया प्रभु अब आसरा तेरा बुढ़ापा भरोसा कर ले भगवान का तुझे धोखा नहीं होगा भरोसा यह जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा यह जीवन बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की बोलो गौर निताय भगवान की बोलो राधा रानी की बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की नीरज लोधी दिल्ली से हरे कृष्ण गुरुदेव जी आपको नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुदेव जी आप मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा कीजिए और मुझे दीक्षा देकर दूसरा जन्म देने की कृपा कीजिए बस आप नीरज जी आगे बढ़ो भक्ति में समय आने पर दीक्षा मिलेगी और आप अपना जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ाने में सफल बनोगे हरे कृष्णा तो सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे सभी लोग तीन बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी द्वारा अपनी अमृतमयी वाणी से जो हमें ये ज्ञान गंगा भाग के हमें कृतार्थ किया है तो उसके लिए बहुत बहुत आभार सभी लोग तीन बार हरी बोल बोलेंगे हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय तो आज गयाना से प्राण गोपाल प्रभु के जन्म दिवस पे फल वितरण का आयोजन हुआ है तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और ऑस्ट्रेलिया से नीनी माता के सुपुत्र विवान का आज जन्मदिवस है तो उन उसको विवान को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की है उन्होंने आपसे आशीर्वचन चाहते हैं विवान के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और हम उसकी माता को कहेंगे कि उनको माँ बच्चे की पहली गुरु होती है उनको संस्कार दे अपने बच्चों को भक्ति में लगाए और विदेशी प्रभाव से विवान को बचाए आज उसके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हरे कृष्ण आज दोपहर का जो नित्यानंद त्रयोदशी के प्रकरण उसमें तो आज का जो प्रसाद का आयोजन है वो मॉरिशस से देव की परमानंद माता जी की तरफ से है जिन्होंने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये करवाया है तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल हरे कृष्ण ठीक है हरे कृष्णा अभी आप लोग लाइन बना के आ जाओ प्रसाद लेने के लिए यहाँ से ये उठा लो सब कुछ ये उसको दे दो ये आपका क्या क्या है दोनों एक एक देना है एक एक केला हैं चलो